जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यभरते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, जब हम भारत की बात करते हैं, तो हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, सर्वे संतु निरामया की बात करते हैं, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की बात करते हैं। ऐसा बड़ा पॉपुलर एक डायलॉग बन चुका है कि कभी हमने ये नहीं कहा कि सर्वे हिंदू सुखिनः या सर्वे सनातन सुखिनः या सर्वे एक्स वाई जेड सुखिनः। हमने समस्त मानव जाति की बात की है। आखिर ऐसा किस कारण से है कि केवल हिंदू धर्म बाकी अपने आप को जो रिलीजन कहते हैं, जो मजहब कहते हैं, जो मत पंथ संप्रदाय कहें, जो भी कुछ कहना चाहे, उन्होंने जो भी नाम रखे हैं, अपने नामकरण किया है वो कहें, लेकिन जब हम धर्म की बात करते हैं और धर्म को हम नाम देते हैं, हिंदू धर्म बात करते हैं, तो केवल हिंदू धर्म में ही समस्त मानव जाति का विचार क्यों है? केवल हिंदू धर्म के कारण से ही हम ये सब बातें क्यों कर पाते हैं? आखिर हिंदू धर्म को ही समस्त मानव जाति से प्रेम क्यों है, प्यार क्यों है? क्या है ऐसा हिंदू धर्म में जो ये कुछ सब कुछ हमें सिखाता है, जिस कारण से हम कणवंतो वैश्वमार्यम की बात करते हैं, जिस कारण से हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जो हमारे G20 के स्लोगन में लिखा हुआ जाता है तो पूरा संसार उसे देखता है। ये केवल हिंदू धर्म की ही एक विशेषता किस कारण से है? अद्वितीय समाजशास्त्र पुस्तक पर आज चर्चा का भाग दो है। प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी हमारे साथ होंगे। आप सभी से निवेदन है, जम्बू टॉक्स है, जम्बू थॉट्स है, इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, इस विषय को आगे बढ़ाने में हमारे इस अभियान में आप भी सहयोगी सहभागी हो सकते हैं, क्योंकि जब आप टिप्पणियां करते हैं, अपने कॉमेंट्स करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, इसे आगे बढ़ाते हैं, तो इसका प्रसार करने में यूट्यूब आपके माध्यम से हमें सहयोगी होता है और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस चैनल की मेंबरशिप लेकर के, सब्सक्राइब के साथ इसे ज्वाइन करके, इसकी सदस्यता लेकर के आप हमारे सहयोगी हो सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आइए स्वागत करते हैं, हमारे बीच पधारे हुए हमारे आज के अतिथि प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी। गुरु जी प्रणाम, कैसे हैं आप? नमस्ते, बहुत अच्छे हैं। निधीश जी, जम्मू टॉक्स के सभी व्यूअर्स को नमस्कार। और ये जो हमारी पुस्तक है अद्वितीय समाजशास्त्र, ये प्रभात प्रकाशन से छपी है। अद्वितीय समाजशास्त्र प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। इसके कुछ अंशों पर हम क्रमशः चर्चा कर रहे हैं। ये दूसरी चर्चा है, दूसरा अंश है, दूसरी किस्त है, जो भी कहें मित्रों। इसमें जो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि हमने इसका नाम हिंदू समाजशास्त्र क्यों नहीं रखा? अद्वितीय समाजशास्त्र तो रखा है क्योंकि ये संसार में अद्वितीय है, लेकिन हिंदू समाजशास्त्र नहीं रखा। कुछ लोगों ने अंग्रेजों की नकल में हिंदू समाजशास्त्र या हिंदू सोशियोलॉजी कहकर इसे पढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत में जितने भी समाजशास्त्र, जैसा हमने पिछली बार बताया था कि यहाँ जिसे पिछले 125-150 वर्षों से यूरोप में सोशियोलॉजी कहा जाता है, उन सब विषयों को और उनसे भी अधिक व्यापक विषयों को भारत में धर्मशास्त्र कहा जाता रहा है। धर्मशास्त्र में हिंदू और गैर हिंदू जैसा कोई विचार ही नहीं। धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, उचित और अनुचित, सत्य और असत्य, इसका विचार तो है। कौन धर्मनिष्ठ है, कौन अधर्मनिष्ठ है, कौन पुण्यात्मा है, कौन पापी है, एक ही व्यक्ति के कौन से कार्य पुण्य है, कौन से कार्य पाप है, कौन सा कार्य उचित है, कौन सा कार्य अनुचित है, इसका विचार तो है। लेकिन हिंदू और हिंदू जैसा कोई भी शब्द भारत के किसी भी शास्त्र में विचार के समय नहीं मिलता। उसका कारण ये है कि सदा से ही हमारे धर्मशास्त्र, यानी हमारे आधुनिक यूरोपीय शब्दावली का लोकप्रिय शब्द लें तो समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी जो है, उसमें समस्त मानव जाति का विचार किया गया। यूरोप में जो सोशियोलॉजी है वो केवल 150 साल पुरानी है, लेकिन उसके पहले जो थियोलॉजी है वो लगभग 1000 साल पुरानी है। तो न तो थियोलॉजी में कभी संपूर्ण मानवता का विचार किया गया, न ही सोशियोलॉजी में किया गया है। वो दावा कर देते हैं, लेकिन उसमें वो बड़ा अन्यायपूर्ण दावा है कि दूसरे का जैसे अस्तित्व ही नहीं है, उसको नकार देते हैं। सोशियोलॉजी केवल यूरोपीय सोसाइटी के
चिंतन को और मानदंडों को प्रतिपादित करती है, और दूसरों का जिक्र ऐसे ही जैसे कहते हैं पासिंग रेफरेंस, बाय द वे कहता है अच्छा हिंदुओं में ऐसा लिखा है, मुसलमानों में ऐसा लिखा, ये कह देते हैं, लेकिन अपने को ही परिपूर्ण मानव मानते हैं। कौन? यूरोपीय समाजशास्त्री, उसी को वो अब परिपूर्ण गुणात्मक अर्थ में न कहकर कह देते हैं हम डेवलप्ड हैं, हम डेवलप्ड सोसाइटी हैं, हमारे जो मनुष्य हैं वो डेवलप्ड मनुष्य हैं, तो हम डेवलप्ड मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं। शब्दों का खेल है, लेकिन वो केवल पहले केवल ईसाइयों के बारे में सोचते थे और फिर केवल यूरोपियों को केंद्र में रखकर सोचते हैं, बाकी को ये मानते हैं कि ये हमारे पीछे पीछे आने को अभिवश हैं, अभिशप्त हैं, या नियति है इनकी कि ये हमारा ही अनुसरण करेंगे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मानव समाज के विषय में यहाँ विचार है सोशियोलॉजी में, उसमें उसके पहले जो थियोलॉजी थी, यानी जो ईसाइयत है और उसकी उसके कुछ समय बाद इस्लाम है, इन दोनों में संपूर्ण मानव समाज का कोई विचार ही नहीं। कैसे नहीं है पहले ये बता दें, फिर हमारे यहाँ क्या है ये बताएं। तो ईसाइयत में तो कहा है कि जो होली फादर द गॉड, और गॉड की परिभाषा क्या है, फादर ऑफ जीसस। गॉड की एक ही विशेषता है कि उसने जब से सृष्टि हुई करोड़ों वर्ष पूर्व से, तब से 2000 साल पहले तक, आज से 2024 वर्ष पूर्व तक, कुल करोड़ों वर्षों में गॉड ने एक लड़का पैदा किया, बड़ा लाडला लड़का, उसका नाम था जोशुआ मसीह। और जो गॉड अर्थात जोशुआ के पिता, और जोशुआ मसीह मसीह विशेषण है, जोशुआ के पिता और जोशुआ, फादर ऑफ जीसस एंड जीसस द सन, होली सन उसको पवित्र कह देते हैं, और होली घोस्ट पवित्र प्रेतात्मा, इन तीनों की जो शरण में आता है केवल वो मनुष्य सत्कर्म का फल पाता है, अथवा वो स्वर्ग में जाता है, हेवन में जाता है। इनकी जो प्रतिपादन का, इनकी आस्था का, इनके कल्पना का जो स्वर्ग है वहां जाता है। शेष सब चाहे सदाचारी हो, चाहे जीवन भर उन्होंने सत्य बोला हो, चाहे कभी भी झूठ ना बोला हो, किसी का दी नहीं दुखाया हो, किसी की हानि नहीं पहुंचाई हो, लेकिन अगर वो जीसस और उनके पिता और होली घोष्ट की शरण में नहीं आते तो वो अनंत नरक में जाएंगे। तो इस प्रकार वो बिलीवर, बिलीवर इन क्रिश्चियनिटी और नॉन बिलीवर, रिलीजियस और हीदन, ये दो भेद मनुष्यों का करते हैं कि मानव जाति दो भागों में विभक्त है। एक वो है जो चर्च में और क्रिश्चियनिटी में भरोसा करता है, जो बिलीवर है, भरोसा करता है, उसका कोई ज्ञान क्या होगा, उसका आचरण क्या होगा, वो कैसे उठेगा बैठेगा, लोगों से व्यवहार कैसे करेगा, झूठ बोलेगा, छल करेगा कि नहीं करेगा, प्रेम करेगा कि घृणा करेगा, धोखा देगा, दूसरों की हत्या करेगा कि नहीं करेगा, इसका कोई विचार नहीं। वो हत्या करे ना करे उसका शौक है, उसकी सुविधा है, वो झूठ बोले कभी सच बोले ये उसकी सुविधा है, लेकिन अगर उसने होली फादर होली सन, यानी होली फादर अर्थात फादर ऑफ जीसस द ओनली बिगॉटन सन ऑफ लॉर्ड, और होली सन यानी जीसस, और होली घोस्ट, इन तीनों में विश्वास लाता है, इन तीनों का ज्ञान प्राप्त करता है नहीं कहा है, इन तीनों का विवेक से बोध प्राप्त करता है ये भी नहीं कहा है, इन तीनों का साक्षात्कार करता है, रियलाइजेशन करता है ये भी नहीं कहा है, इन तीनों में बिलीव करता है, विश्वास करता है, फेथ लाता है, ईमान लाता है, तो वो मरने के बाद कब्र में पड़ा रहेगा, लाखों करोड़ों वर्षों तक पड़ा रहेगा, उसके शरीर को कीड़े मकोड़े खाएंगे बुरी तरह, कीड़े उसके एक एक अवयव को, एक एक सेल को, एक एक उस शरीर के एक एक अणु परमाणु को खा डालेंगे, फिर लास्ट डे आप जजमेंट में तुरही बजेगी, तुरही में चमत्कार ये होगा कि वो सब आत्माएं जो इनको कीड़े मकोड़ों ने खा लिया है और घुल मिल गई हैं, वो अचानक फिर से उसी कपड़े में उसी शरीर में जीवित होके लॉर्ड के सामने खड़ी होंगी, वहाँ लॉर्ड होंगे और उनके बगल में जीसस होंगे, जीसस गवाही देंगे कि हाँ इसका बपतिस्मा हुआ है, ये मुझ में और आप में फेथ लाया था, ईमान लाया था, बिलीव करता है, तो उसको स्वर्ग भेज देंगे,
और जिसको ना ऐसे सिर हिला देंगे कि नहीं इसने न तो मुझ में विश्वास किया और ना मुझ आप में विश्वास किया, उसको एटर्नल हेल भेज देंगे। तो मानव जाति को वो बिलीवर और नॉन बिलीवर या रिलीजियस और हीदन इन दो भागों में विभाजित करते हैं, उसका ज्ञान से, आचरण से, चरित्र से, शील से, गुणों से कोई संबंध नहीं। अगर आप बिलीवर हैं तब फिर वहां आपके गुणों का तारतम्य है कि ये ज्यादा गुणी हैं, ज्यादा गुणी बिलीवर हैं, इनमें कुछ मानवीय संवेदना भी है, कुछ और भी है, लेकिन बिलीवर होना पहली शर्त। अगर आप नॉन बिलीवर हैं तो आप सत्यनिष्ठ हैं, सदाचारी हैं, प्रेम से भरे हुए हैं, सबका उपकार करते हैं, करुणामय हैं, आपने सदा निष्ठा पूर्वक ही धन कमाया है, उसका कोई अर्थ नहीं आप एटर्नल हेल में जाएंगे। तो मानव जाति का कोई भी विचार चर्चियनिटी या क्रिश्चियनिटी में नहीं है। चर्च मानव जाति के बारे में कोई विचार नहीं करता। पहले तो वो स्त्रियों के बारे में भी कोई विचार नहीं करता था, केवल मेल क्रिश्चियन, क्रिश्चियन मेल के बारे में विचार करता था कि क्रिश्चियन मेल को स्वर्ग मिलेगा, स्त्रियां तो नरक जाएंगी। फिर बहुत हजार वर्ष से अधिक तक लगातार जब स्त्रियों ने वहां की संघर्ष किया, ईसाई स्त्रियों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत कष्ट सहा, बड़े बड़े आंदोलन किए, प्रदर्शन किए, बहुत अपने शरीर में कष्ट रहा और कहा कि हमको मनुष्य मान लो, ये मान लो कि हम में भी आत्मा है। तो आज से लगभग 80-90 साल पहले अलग अलग देशों के चर्च ने ये मान लिया कि चलो स्त्री के भी, क्रिश्चियन स्त्री के भी आत्मा होती, समस्त स्त्री जाति की आत्मा होती है, ये उन्होंने ऑफिशियली नहीं माना है लेकिन कह देते हैं। तो क्रिश्चियन स्त्री के भी आत्मा होती है, ये 80-90 साल पहले पहली बार माना। तो उसमें क्योंकि वो क्रिश्चियन है तो उसे स्वर्ग मिल सकता है, लेकिन बाकी सब स्त्रियों को नरक मिलेगा, बाकी सब पुरुषों को भी नरक मिलेगा। उनके अनुसार भारत में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को स्वर्ग मिलेगा, लेकिन बाकी जो हैं शेष बड़े बड़े कांग्रेस के नेता जो हिंदू हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं, उन सबको नरक मिलेगा। और समाजवादी और बहुजन समाजवादी और उनके अनुसार भाजपा के भी सभी नेताओं को नरक मिलेगा, एटर्नल हेल। क्यों नरक मिलेगा? इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई चोरी की है, कि बदमाशी की है, कि झूठ बोला है, नहीं, उन्होंने होली फादर, होली सन और होली घोस्ट, इन तीन को, तीन की शरण में नहीं गए हैं, तीन पर विश्वास नहीं किया है, तीन पर फेथ नहीं लाए हैं, इसलिए इनको नरक मिलेगा। तो मानव जाति का कोई भी विचार क्रिश्चियनिटी या चर्चियनिटी में नहीं। जो ईसाइयों को पुस्तक पढ़ाई जाती है, एक तो सामान्य बाइबिल है जिसमें चार सुसमाचार हैं, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क वगैरह करके चार जो मार्क हैं, है ना, और चार जो गॉस्पेल हैं, सुसमाचार हैं, न्यूज हैं, गुड न्यूज हैं। और इसके साथ ईसाइयों को एक विशेष बाइबिल, जब उनकी ट्रेनिंग होती है, पादरी बनते हैं, प्रीस्ट बनते हैं, तो दी जाती है। उसमें प्रश्नोत्तर में बड़े विस्तार से समझाया जाता है कि क्यों केवल क्रिश्चियन को, केवल बिलीविंग क्रिश्चियन को हेवन मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, बाकी सबको क्यों इटर्नल हेल मिलेगा। तो मानव जाति के विषय में चर्चियनिटी में, क्रिश्चियनिटी में कोई विचार नहीं, केवल क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन, बिलीवर और नॉन बिलीवर, इन पर ही विश्वास व्यक्त किया है। और एक को बिना उसके कर्मों का विचार किए स्वर्ग मिलेगा और दूसरे को बिना उसके सत्कर्मों का ध्यान रखे नरक मिलेगा, ये कहा गया है। इसी प्रकार इस्लाम में उन्होंने कहा कि मोमिन जो है वो तो जन्नत जाएगा। मोमिन वो है जो अल्लाह में और उनके आखिरी रसूल में ईमान ले आए। ये नहीं कि वो अल्लाह को जाने, अल्लाह को जानने का कोई साधन नहीं है, अल्लाह को इस संसार में कोई नहीं जान सकता। उन्हीं का प्रकाश है, उन्हीं की शक्ति है, ये जान सकता है, लेकिन अल्लाह का साक्षात्कार किसी को नहीं हो सकता। अल्लाह का संबंध केवल आखिरी रसूल से था और अल्लाह का नूर सारे कायनात में फैला हुआ है, ये वो जान सकता है, इसलिए कि आखिरी रसूल ने ये बात बताई है। यानी आखिरी रसूल को जो पैगाम भेजे गए अल्लाह की ओर से, उन्हें जो इल्हाम हुआ, उस पर जो ईमान लाए, जो यकीन लाए, जो विश्वास करे कि अल्लाह है, अल्लाह के सिवाय और कोई सत्ता नहीं है, और
अल्लाह के आखिरी रसूल परम पूजनीय मोहम्मद पैगंबर साहब हैं, और उनको जो पैगाम हुआ ऐसा बताया गया है, और पैगंबर साहब की मृत्यु के लगभग 100-125 साल बाद जो उसका एक संग्रह किया गया, इस संग्रह को लेके बहुत झगड़े हुए, मार काट हुई, तब किसी तरह सुन्नियों में सहमति बनी, तो सुन्नियों के द्वारा सर्वमान्य और शियाओं के द्वारा अमान्य, वहाबियों के द्वारा अमान्य, ऐसा एक ग्रंथ है जिसे कुरान कहते हैं। उस कुरान शरीफ में जो कहा गया है उसका जो पालन करे वो मोमिन, जो कहे कि मैं पैगंबर साहब पर और अल्लाह ताला पर यकीन लाता हूँ, कुरान पर यकीन लाता हूँ, लेकिन उसका आचरण नहीं करे। बहुत से आचरण हैं, अभी उनकी चर्चा का यहाँ विषय नहीं है, अन्यत्र हम बता चुके हैं, वो अगर नहीं करे तो वो मोमिन नहीं। जो कहे कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह के आखिरी रसूल पर ईमान लाता हूँ, कुरान को इल्हामी किताब मानता हूँ, आसमानी किताब मानता हूँ, लेकिन उसके अनुसार आचरण नहीं करे, उसे मुनाफिकीन कहते हैं। मुनाफिकीन का हिंदी होगा बनावटी मुसलमान या नकली मुसलमान। और जो कहे कि नहीं मैं अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह के आखिरी रसूल को भी मानता हूँ, आसमानी किताब कुरान शरीफ को भी मानता हूँ, लेकिन साथ ही मैं भगवान राम को भी मानता हूँ, भगवान कृष्ण को भी मानता हूँ, दुर्गा माता को भी मानता हूँ, सरस्वती माता को भी मानता हूँ, लक्ष्मी माता को भी मानता हूँ, पीर को भी मानता हूँ, फकीर को भी मानता हूँ, मजार में भी जाता हूँ, दरगाह में भी जाता हूँ, तो उसको कहेंगे मुशरिक। यानी वो अल्लाह की पूजा के साथ किसी अन्य प्रकार की भी पूजा या इबादत अगर करता है तो वो मुशरिक है, शरीक कर लिया उसने, मुशरिक। इबादत में किसी भी अन्य को किसी भी रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष, सीधे या टेढ़े, दूरस्थ, किसी तरह शरीक कर लिया, सम्मिलित कर लिया, तो वो मुशरिक है। और स्वयं कुरान शरीफ के अनुसार केवल मोमिन को जन्नत मिलेगी, मुशरिक को बहुत कठोर यातना से भरा नरक मिलेगा, मुनाफिकीन को सबसे ज्यादा कठोर, सबसे ज्यादा यातना से भरा नरक मिलेगा, और काफिर को तो नरक मिलेगा ही। इसलिए मोमिन का काम है कि मुनाफिकीनों को मस्जिद में नहीं जाने दे, उनको अपने को मुसलमान नहीं कहने दे, जब वो कहें कि हम मोमिन हैं तो उनको मारे और भगा दे, और मुशरिक को मारे और भगा दे, और काफिर को कहे कि इस्लाम कबूल करो, नहीं तो उसकी हत्या कर दे, मार डाले, अथवा कोई शर्त लेके ये कि चलो हमारे अधीन रहो, तब कर रहो, चलो हम तुमको जीने देते हैं, उसके बदले में तुम हमको ये टैक्स दो, ये धन दो, ऐसे करके जीने दे। तो मानव जाति का विचार इस्लाम में भी नहीं है, और मानव जाति का विचार ईसाइयत में भी नहीं है। अब आप कहेंगे कि नहीं है तो इससे क्या होता है, तो देखो मनुष्य में तो विवेक है, भगवान ने मनुष्य को बनाया है, और हिंदू सनातन धर्म की आस्था क्या है, संस्कृत के श्लोक बहुत से हैं, उनका बाद में उच्चारण थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन हिंदी में तुलसीदास जी ने उसको बहुत सरल ढंग से कह दिया है, मानव अंश जीव अविनाशी, नहीं गलत कह गए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मानव बोलते बोलते मेरे मुंह से मानव निकल गया, क्षमा कीजिएगा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव के लिए, यानी जो भी जीवात्माएं हैं, विशेषकर मानव जो है उसके लिए तो स्पष्ट है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, वह पवित्र है, सहज ही आनंद की राशि है और सदा चेतन। तो हमारे यहाँ तो मनुष्य को ये कहा गया है, और ये मनुष्य को कहा गया है, हिंदू को नहीं कहा गया है। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि मानव तो चेतन है ना, इसका प्रमाण है, मनुष्य चेतन है, ईश्वर का अंश है, उसकी चेतना सदा ही सत्य की ओर जाती है, ऊर्ध्व की ओर जाती है, झूठ में लिप्त होता है, लोभ में लिप्त होता है, पाप में लिप्त होता है, लेकिन छटपटाता है, अंतर्चेतना कहीं छटपटाती रहती है, अगर थोड़ी भी अंतर्चेतना जगी है, अगर तमस का बहुत मोटा मोटी परत नहीं चढ़ी है, तो उसका मन छटपटाता है और वो सत्य की ओर जाता है, उसको लगता है कि यार ये ठीक नहीं है, सच की सच, क्योंकि सत्य ही सभी संबंधों का टिकाऊ आधार बनता है। तो मनुष्य सब जगह होते हैं, इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रमाण ये है कि चर्च का इतना भयंकर साम्राज्य था,
यहाँ तक कि बहुत लंबे समय तक अभी भी नियम तो अभी भी है लेकिन अब पालन नहीं होता क्योंकि थोड़ा वो लोग उदार हो गए हैं। अब यूरोप में सब लोग ईसाई नहीं है, ज्यादातर लोग प्रबुद्ध यूरोपीय हैं, यानी वो चर्च के विरोधी नहीं है, चर्च पर जाते भी नहीं है, जाते हैं तो थोड़ी रस्म कर लेते हैं लेकिन चर्च में फेथ नहीं लाते और थोड़ा प्रबुद्ध है, या चर्च को टैक्स दे दिया कि चलो तुम चर्च चलाते रहो लेकिन उसकी मान्यताओं में श्रद्धा नहीं रखते। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें एनलाइटेंड कहते हैं, वो लोग स्वयं को प्रबुद्ध जगे हुए दूसरी सभ्यताओं से जो सीखे हुए लोग हैं, जिन्होंने अन्य सभ्यताओं से विवेक और ज्ञान सीखा है, ऐसे प्रबुद्ध यूरोपीय बहुत हैं। तो वो लोग अब उस बात को नहीं मानते। तो चर्च तो ये कह इसलिए जो पहले का प्रावधान था, पहले प्रावधान ये था कि अगर आप क्रिश्चियन हैं और आपने किसी के भी प्रभाव में आकर, खासतौर से उस समय ग्रीक सभ्यता के ग्रीक विचारकों के, प्लेटो एरिस्टोटल आदि के विचारकों के प्रभाव में आकर, बहुत से लोग चर्च को छोड़ देते थे क्योंकि वो लोग कोई क्रिश्चियन थे नहीं, न प्लेटो क्रिश्चियन था, न एरिस्टोटल क्रिश्चियन था, न सोक्रेटिस क्रिश्चियन था, वो लोग तो सनातन धर्मी थे, ब्रह्म से प्रभावित, ब्रह्म विचार से प्रभावित थे, ब्रह्मवादी थे। तो जो उनका उनको पढ़े और उनसे प्रभावित होकर कहे कि हम क्रिश्चियन नहीं हैं तो उसको मृत्युदंड मिलता था, लेकिन जब प्रबुद्ध यूरोपीय ज्यादा बढ़ गए तो मृत्युदंड को वर्जित कर दिया गया कि भाई अपना विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये कब हुआ है? ये 125 साल पहले हुआ है कि ठीक है आप कह सकते हैं कि मैं चर्च में विश्वास नहीं कर सकता, आप कह सकते हैं कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मेरी क्रिश्चियनिटी में आस्था नहीं है, और फिर भी आप क्रिश्चियन देश में, क्रिश्चियन स्टेट में, क्रिश्चियन नेशन में रह सकते हैं। ये कब हुआ है? 19वीं शताब्दी के अंत में मान्य हुआ है, और 20वीं शताब्दी के शुरू में एक तरह से पूरी तरह मान्य हो गया है। पहले चर्चा चली है कि भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अगर कोई कहता है कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूं तो उसको छूट होनी चाहिए। चर्च ने बहुत से प्रावधान लगाए कि नहीं फिर उसको ये सुविधा नहीं मिलेगी, वो सुविधा नहीं मिलेगी, तो वहां बहुत से लोग जो सत्यनिष्ठ थे उन्होंने कहा ठीक है हम ये सुविधा नहीं लेंगे, ठीक है हम वो सुविधा भी नहीं लेंगे, लेकिन हम, हमारा मन कहता है कि क्राइस्ट नाम की कोई व्यक्ति कभी नहीं हुआ और ऐसा कोई गॉड नहीं हो सकता जिसका केवल एक लड़का हुआ हो और जो सातवें आसमान में बैठा हो और उसने चर्च को ठेका दे दिया हो दुनिया को चलाने का कि तुम दुनिया को अपने ढंग से चलाओ, अपने कंट्रोल में चलाओ। तो ऐसा नहीं मानता, जो मानता है कि भाई संसार में बहुत सी सभ्यताएं हैं। जब यूरोप के लोग दुनिया भर में गए तो उन्होंने कहा संसार में एक से एक विकसित सभ्यताएं हैं, संस्कृतियां हैं, समाज हैं, वहाँ एक से एक विचार हैं। उन्होंने वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, गीता पढ़ी, धम्मपद पढ़ा, जैन ग्रंथ पढ़ा। उन्होंने कहा अरे यहाँ तो एक से एक तात्विक विचार हैं, वहाँ तो क्राइस्ट की और क्राइस्ट के फादर की कोई बात ही नहीं है। तो उन्होंने कहा हम ये नहीं मान सकते कि सातवें आसमान में बैठा कोई एक गॉड है और उसका एक ही लड़का हुआ है जीसस और उस पर फेथ लाए बिना नरक मिलेगा, ये नहीं मानते। इसलिए उनको, वो लोग प्रभावशाली थे तो उनको छूट मिल गई, तो वो ये कहने लगे कि हम क्रिश्चियन नहीं। लेकिन फिर उन्हें कहना पड़ा। आज भी अगर वो संपूर्ण मानव जाति को एक मानता है या मानव जाति का विचार करता है, एक नहीं भी मानता है कि विविध प्रकार के मानव हैं, लेकिन संसार में अन्यत्र भी कोई सभ्यता है, अन्यत्र भी कोई संस्कृति है, अन्यत्र भी कोई चिंतन हुआ है, अन्यत्र भी कोई साहित्य और ज्ञान दर्शन चिंतन के ग्रंथ रचे गए हैं, अन्यत्र भी कोई खोज हुई है, आविष्कार हुए हैं, अन्यत्र भी कोई सभ्यता विकसित हुई है, ऐसा कोई मानता है और फिर भी अपने आप को क्रिश्चियन कहे तो ये नहीं चलेगा। तो उसे कहना पड़ता है कि इसलिए मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। इसीलिए बर्ट्रैंड रसेल बहुत बड़े दार्शनिक थे इंग्लैंड के, उनको एक घोषित रूप से अपने लंबे भाषण में कहना पड़ा व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन। ये बर्ट्रैंड रसेल का एक बड़ा प्रसिद्ध भाषण है जो पुस्तकाकार छपा है। क्या कहा रसेल का? व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हूं ये बताना पड़ा। बर्ट्रैंड रसेल को बताना पड़ा कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, इसलिए मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दीजिए, इसलिए मुझे चर्च से छुट्टी दीजिए, इसलिए मुझे चर्च के नियमों के पालन के लिए विवश मत कीजिए,
इसलिए मुझसे ये मत कहिए कि गॉड को मानो और होली घोस्ट को मानो और होली सन को मानो और दी ओनली बिगॉटन सन को मानो और ये मानो कि संसार में और कहीं सभ्यता नहीं है, संसार में कहीं और ज्ञान नहीं है, संसार में और कहीं प्रकाश नहीं है, ये मत मानो। हाँ, आपको छूट है, लेकिन फिर घोषित करो कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। तो उन्होंने कहा भाई मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? ये इसमें भाषण में कहा कि भाई आप कहते तो ये है कि क्रिश्चियन वो है जो अच्छी जिंदगी जिए, लेकिन अच्छी जिंदगी की परिभाषा ये करते हैं कि जो क्राइस्ट में विश्वास करे, क्राइस्ट के पिताजी में विश्वास करे और क्राइस्ट को कुमारी माता के गर्भ से जन्म देने वाले, बिना पिता के पैदा करने वाले पवित्र प्रेतात्मा पर विचार विश्वास करे। तो मैं इन सब में विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं क्रिश्चियन नहीं। इसी प्रकार मुसलमानों में अगर कोई कहता है कि नहीं, अन्य समाज भी हैं, वो हमारे ही समान विकसित हैं, उन्नत हैं, तो उनको इस्लाम त्यागना पड़ता है। इस्लाम में अभी भी ये प्रावधान है कि मृत्युदंड मिलेगा। अगर आपने इस्लाम को एक बार अपना लिया और फिर उसका त्याग किया तो मृत्युदंड मिलेगा, सजाए मौत, कत्लेआम, आपको मार डाला जाएगा। उसके लिए बहुत सारे प्रावधान है। खुल के मारेंगे, खुल के नहीं मार सकते, आप बहुत शक्तिशाली हैं तो छल से मारेंगे। स्वामी शुद्धानंद को बहुत से लोगों की छल से हत्या की गई। क्यों? सामने हत्या करते तो हिंदू लोग मार डालते हैं, हिंदुओं में बल और विक्रम और वीर की कोई कमी नहीं है, मुसलमानों से बहुत बड़े योद्धा हिंदू हुए हैं। संपूर्ण हिंदू इतिहास वीरता का इतिहास है, गौरव का इतिहास है, बल का इतिहास है, विक्रम और पुरुषार्थ का इतिहास है। तो छिप के मारा, छल से मारा, धोखे से मारा, तो लेकिन मारा। आपने कह दिया कि इस्लाम के सिवाय भी कहीं रोशनी है, इस्लाम के सिवाय भी कहीं ज्ञान है, इस्लाम के सिवाय भी कोई धर्म है, इस्लाम के सिवाय भी कहीं सच्चाई है, इस्लाम के सिवाय भी कहीं दिव्यता है, इस्लाम के सिवाय भी कहीं ईश्वर का प्रकाश है, तो आप मृत्युदंड के अधिकारी हैं। अगर उनका वश चला, सीधे मारेंगे या चिपके मारेंगे। तो ये इसीलिए हर मुसलमान और हर ईसाई व्यक्ति को, अगर वो मानव जाति में विश्वास करता है, कहता है कि हम मानवतावाद को मानते हैं, तो उसकी हत्या कर दी जाती है। आजकल पिछले 100 साल से हत्या नहीं हो रही है, तो उसको ये तो कहना पड़ता है कि भाई मैं मुसलमान नहीं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, वाई आई एम नॉट ए मुस्लिम कहना पड़ता है। बहुत सारे एक्स मुस्लिम हैं भारत में, उनके अपना एक आंदोलन चल रहा है, वो कहते हैं कि हम क्यों एक्स मुस्लिम हैं, अब हम मुस्लिम नहीं हैं, हम पूर्व मुस्लिम हैं, पूर्व में मुस्लिम थे, अब हम मनुष्य हैं। तो मनुष्य बनने के लिए मनुष्य को इस्लाम त्यागना पड़ता है, और मनुष्य बनने के लिए व्यक्ति को क्रिश्चियनिटी और चर्चियनिटी त्यागनी पड़ती है। चर्च का त्याग करके ही कोई संपूर्ण मानव जाति के अंश रूप मनुष्य हो सकता है। चर्च को मानते हुए वो केवल क्रिश्चियन मनुष्य हो सकता है, उसमें एडजेक्टिव लगेगा। अगर आप चर्च में हैं तो केवल क्रिश्चियन मैन है। अगर आपको केवल मनुष्य होना है तो चर्च का त्याग करना पड़ेगा, और अगर आपको इंसानियत को ही अपना मजहब मानना है तो आपको इस्लाम का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा कोई मुसलमान नहीं है जो कहे कि हम इंसानियत को मानते हैं। अगर कहे तो वो छल है, क्योंकि वो इंसानियत को मानते ही मुसलमान नहीं रह जाएगा। अगर उसने कहा कि हम इंसानियत को मानते हैं तो फिर तुम मोमिन नहीं हो, क्योंकि तुम फिर काफिर को भी मनुष्य मानते हो, मुशरिक को भी मनुष्य मानते हो, मुनाफिक को भी मनुष्य मानते हो। किताब वाले जो दूसरे लोग हैं, जो कुरान शरीफ के अतिरिक्त अन्य किताब वाले हैं, उनको भी मनुष्य मानते हो, तो तुम इंसानियत को अगर मानते हो तो इन सबको मनुष्य, इनके पास कोई किताब नहीं है, उनको भी मनुष्य मानते हो, तो तुम मोमिन नहीं हो, मुसलमान नहीं हो। इंसानियत को मानने वाला मुसलमान नहीं रह जाता, ह्यूमैनिटी को मानने वाला क्रिश्चियन नहीं रह जाता। इसीलिए यूरोप में पिछले 100 सालों से बहुत से लोग मानवतावादी हुए हैं। तो ह्यूमैनिटी पर एक पुस्तक ही लिखी है, ह्यूमैनिज्म है ये पुस्तक, ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। उसमें उन्होंने बताया है कि ह्यूमैनिस्ट मानवतावादी कौन है, बड़े बड़े विद्वानों ने इसमें बताया है। तो मानवतावादी वो है, बहुत स्पष्ट कहा है कि मानवतावादी वो है जो यह कहे कि किसी एक प्रकार के विश्वास में श्रद्धा रखना ही उन्नत मनुष्य होना नहीं है, दिव्य मनुष्य होना नहीं है, यानी
शुरुआत उन्होंने की कि होली फादर, होली सन और होली घोस्ट में फेथ लाना उन्नत मनुष्य होने का एकमात्र लक्षण नहीं है। वो आप रह सकते हैं लेकिन और लोग भी मनुष्य हैं, तो उसको मानवतावाद कहते हैं। यानी जो ऑफिशियल अधिकृत ईसाइयत और चर्चियत का विरोध करे वो मानवतावादी होता है। मानवतावादी कौन है? जो ऑफिशियल चर्च का विरोध करे, ऑफिशियल रिलीजन, क्रिश्चियन रिलीजन का विरोध करे, जो ईसाइयत और चर्चियत का विरोध करे वो ह्यूमनिस्ट होता है। और ऐसे बहुत से ह्यूमनिस्ट यूरोप में हुए हैं। और जो उम्मा और मजहब की ऐसी आस्था कि केवल यही मजहब सच है इसका विरोध करे, वो इंसानियत पसंद होता है। जो मजहब को माने वो इंसानियत पसंद नहीं होता, वो मोमिन होता है, वो इंसानियत को नहीं मानता। वो मानता है कि मोमिन के सिवाय बाकी जो हैं वो मौका लगने पर वाजिबुल कत्ल हैं, मार डालने चाहिए, और अगर नहीं मार पाते तो उनको दबा के रखो, लूटो, खसोटो, उनकी संपत्ति नष्ट करो, उनकी स्त्रियों से व्यभिचार करो, अत्याचार करो, नीचता करो, पापाचार करो, वो हमारे समान नहीं, तो वो इंसानियत को नहीं मानता। अगर कोई पक्का मोमिन है तो वो इंसानियत को नहीं मानता, और अगर कोई पक्का क्रिश्चियन है, चर्चिया है, चर्च गोइंग है, तो वो ह्यूमैनिटी को नहीं मानता। तो ह्यूमैनिटी को जो लोग यूरोप में मानते हैं उन्होंने ह्यूमैनिज्म को डेवलप किया है पिछले 100 साल में। सबसे पहले तो डेविड फ्रेडरिक स्ट्रॉस ने कहा कि नहीं, जीसस एक मनुष्य थे, किसी डिवाइन जीसस की बात बंद कर देनी चाहिए, जीसस तो हैं, उसने रक्षा की कि भाई जीसस भी एक मनुष्य है, संसार में बहुत से अच्छे शिक्षक हुए हैं, जीसस भी एक महान शिक्षक है मानव जाति के, लेकिन वो कोई डिवाइन नहीं है। ये किसने कहा? ये डेविड फ्रेडरिक स्ट्रॉस ने कहा। गांधी जी ने भी बार बार ईसाई मिशनरियों से बात करते हुए ये बात कही है, बाकायदे गांधी जी के गांधी वांग में मिले सैकड़ों जगह ये आता है, कम से कम 100 जगह है, कि केवल जीसस संसार के उद्धारक हैं ये बात झूठ है, और केवल क्रिश्चियनिटी ही दी रिलीजन है ये बात झूठ है। जीसस मानव जाति के एक महान शिक्षक हैं ये मैं मान सकता हूँ, और उन्होंने कहा कि जीसस मानव जाति के वैसे ही शिक्षक हैं जैसे स्वामी श्रद्धानंद। कहना तो उनका ये था कि जैसे मैं हूँ, लेकिन अपने को नहीं कहा विनयवत, तो उन्होंने कहा कि जीसस मानव जाति के एक महान शिक्षक हैं जैसे स्वामी श्रद्धानंद हैं। ये किसने कहा? ये मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने कहा। तो ये वही बात है जो डेविड फ्रेडरिक स्ट्रॉस ने कहा कि भाई वो कोई दिव्य नहीं है, जीसस नाम का कोई दिव्य नहीं है, एक अच्छे श्रेष्ठ मनुष्य जिनके विचारों में बड़ी शक्ति थी। और उन्होंने कहा कि लेकिन उनका विरोध हुआ। उसके बाद एक फ्रेंच दार्शनिक थे जियां फ्रैंक ल्योतार, जियां फ्रैंको ल्योतार ने पहली बार मानवतावाद की बात की। इसी प्रकार जर्मन दार्शनिक लुडविक एंड्रियास फायरबाख, फायरबाख बहुत प्रसिद्ध है, उन्होंने भी क्रिश्चियनिटी की समालोचना करते हुए मानवतावाद की बात की। फिर जार हेनरी लुविस ने गोएथे नामक प्रसिद्ध दार्शनिक के बारे में लिखा और कहा कि गोएथे तो ह्यूमनिस्ट था। गोएथे एक बड़ा प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ है यूरोप में जो क्रिश्चियन नहीं था। तो जार हेनरी लेविस ने कहा कि गोएथे ह्यूमनिस्ट था और हम भी ह्यूमनिस्ट हैं। फिर महान ब्रिटिश लेखक एवं कवि मैथ्यू आर्नल्ड ने भी कहा कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मानवतावादी हूँ, ह्यूमनिस्ट हूँ। फिर प्रसिद्ध जीव विज्ञानी है जूलियन हक्सले, जूलियन सोरेन सोरेल हक्सले, उन्होंने जूलॉजी के आधार पर मानवतावाद की मीमांसा की, और उन्होंने ही स्त्रियों के अधिकारों की पैरवी पहली बार की और गर्भ निरोधक गोलियों की बात की। गर्भ निरोधक गोलियों को हिंदू लोग समझ नहीं सकते, यहाँ तो मुंह से बोलते हैं गर्भ निरोधक गोली यानी भ्रूण हत्या का प्रबंध नहीं, जब भ्रूण गर्भ में आया ही नहीं तो हत्या कहाँ से हुई। तो गर्भ निरोधक गोली क्यों आवश्यक थी? क्योंकि यूरोप में स्त्रियां लगभग गुलाम, बहुत बुरी तरह अत्याचार का शिकार थी, और उनको कहा जाता था कि तुम प्रसव पीड़ा सहो लेकिन कोई उसकी ऐसी कोई बेहोशी की दवा नहीं लो जिससे दर्द का अनुभव नहीं हो, और चाहे जितना छटपटाओ, चाहे जितना कष्ट सहो, लेकिन तुम चूंकि पुरुष से मिलने का तुमने पाप किया है, पुरुष को सेक्स की ओर आकर्षित करना शैतान का काम है, और शैतान के उकसावे पर तुमने पुरुषों को, पुरुष ही पुरुष सम्मोहित होता है, स्त्री सम्मोहित करती है, इसलिए अगर कोई सेक्स संबंध स्त्री पुरुष में बनता है तो स्त्री दोषी है क्योंकि वो शैतान की बेटी है, और इसलिए उसको सजा मिलनी चाहिए, तो उसको
गर्भवती होने की सजा मिलती है और प्रसव पीड़ा सहनी चाहिए। तो जब ये सब हुआ तो जूलियन हक्सले ने गर्भ निरोधक गोलियों के की खोज बहुत से लोगों ने मिलकर की, हक्सले भी उनमें से एक थे, और कहा कि गर्भ निरोधक गोलियां खाने का अधिकार स्त्रियों को मिलना चाहिए ताकि वो हर बार पुरुष से सेक्स करने का या पुरुष से समागम करने का या पुरुष से मिलने का दंड नहीं भोगे। तो गॉड ने जो कर्स दिया है, क्रिश्चियन गॉड ने क्रिश्चियन स्त्रियों को जो कर्स दिया है, जीसस के पिता ने सभी क्रिश्चियन स्त्रियों को जो कर्स दिया है कि अगर तुमने पुरुष को ललचाया, मोहित किया या पुरुष से संबंध बनाया तो तुमको शापित होना पड़ेगा और बहुत कष्ट प्रसव वेदना सहनी पड़ेगी, उससे गर्भ निरोधक गोलियों ने मुक्ति दे दी। तो जूलियन हक्सले ने इसको बहुत वो किया। और जो चर्च को नहीं माने, चर्च का त्याग करे, उसको मृत्युदंड मिलता था, इसके विरोध में भी हक्सले ने बहुत प्रबल तर्क दिए। यही जूलियन हक्सले सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूनेस्को के पहले निदेशक बने। तो ऐसे बहुत से नॉन क्रिश्चियन यूरोपीय और नॉन क्रिश्चियन अमेरिकन जो हैं वो यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में बड़े बड़े पदों पर हैं। इन्हीं के कारण अब पहले जैसा ईसाइयत के पक्ष में पागलों जैसा प्रचार नहीं होता, थोड़ा उस पर नियंत्रण रहता है। यूनेस्को के पहले निदेशक बने जूलियन हक्सले। और इसी प्रकार ब्राक विशोम थे जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक हुए, ये भी नॉन क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी का त्याग करके ये मानवतावादी बने। इसी प्रकार जान बायदार हुए, वो खाद्य एवं कृषि संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन है उसके निदेशक हुए। ये सब लोग मानवतावादी हैं, इसीलिए ये क्रिश्चियन नहीं है। तो क्रिश्चियन का त्याग करने के बाद ही यूरोप में कोई मानवतावादी बनता है। अगर वो क्रिश्चियनिटी का त्याग नहीं करता तो वो मानवतावादी नहीं रहता, वो मानवता को विभक्त करता है। क्रिश्चियन मानव, नॉन क्रिश्चियन मानव, इन दो में भेद करता है। क्रिश्चियन मानव को विशेष अधिकार प्राप्त है, वो कुछ भी करे वो हेवन जाएगा। नॉन क्रिश्चियन मानव को विशेष शाप प्राप्त है, वो कितना भी सदाचार करे वो एटर्नल हेल में जाएगा। तो क्रिश्चियन जो है वो मानवतावादी नहीं होता, क्रिश्चियनिटी का चर्चियनिटी का त्याग करके ही कोई मानवतावादी होता है। मुसलमानों में अभी तक कोई ऐसे बड़े नाम नहीं आए जो मानवतावादी या इंसानियत पसंद हो, उसमें लोग मजहब पसंद होते हैं, इंसानियत पसंद नहीं। अभी तक मुसलमानों में एक्स मुस्लिम जो हुए हैं वो इस्लाम का त्याग करके फिर मानवतावादी हुए हैं। तो एक्स मुस्लिम जिन्होंने इस्लाम का त्याग किया वो मानवतावादी होते हैं। फिर अमेरिकन मानवतावादी एसोसिएशन का गठन 1941 ईस्वी में किया गया, जिसमें उसका घोष वाक्य है, नारा है, गुड विदाउट गॉड, गॉड के बिना, गुड विदाउट ए गॉड। वहां उनका क्रिश्चियन गॉड से मतलब है, माने जीसस के पिता के प्रति आस्था लाए बिना भी अच्छा मनुष्य बना जा सकता है। ये अमेरिकन मानवतावादी एसोसिएशन का घोष वाक्य है, गुड विदाउट ए गॉड, और ये 1941 में बना है। उसके बहुत से लोग सदस्य हैं सारी दुनिया में। फिर इस और दूसरी संस्थाओं से भी मिलकर इसने चर्च, स्टेट और नेशनलिटी इन सबको अलग अलग, भाई चर्च अपना काम करे लेकिन वो नेशनलिटी का अनिवार्य अंग नहीं बने, अन्य लोगों को भी राष्ट्रीयता या नागरिकता मिल सकती है भले वो चर्च को नहीं स्वीकार करें कर रहे हों। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी एसोसिएशन इसके पक्ष में काम करता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी एवं नीतिवादी संघ बना, इंटरनेशनल ह्यूमनिस्ट एंड इथिकल यूनियन, IHEU। इसमें 117 संस्थाएं हैं मानवतावादी और विवेकवादी, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इसमें भारत से हिंदू द्रोही, धर्मद्रोही और मानवद्रोही लोग अपने आप को वहां मानवतावादी और नीतिवादी कहने वाले सेकुलर लोग हैं। भारत के सेकुलर मानवता विरोधी, नीति विरोधी, अनैतिक और हिंदू विरोधी, लेकिन सारे संसार में जो लोग मानवतावादी हैं और नीतिवादी हैं वो हिंदुओं के स्वाभाविक मित्र हैं और हिंदू संगठनों को उनसे मित्रता करनी चाहिए। हिंदू संगठनों को इस बात का पता नहीं होने से वो भारत के जो सेकुलर और धर्मद्रोही, हिंदू द्रोही, नास्तिक और नीच किस्म के लोग हैं, वो समझते हैं कि सारे यूरोप और अमेरिका में भी ऐसे ही मानवतावादी होंगे और उनसे दूरी बना लेते हैं और अपना
इतना सशक्त मित्र संगठन को देते हैं। जो यूरो अमेरिकी मानवतावादी एवं नीतिवादी संगठन है, IHEU है, इंटरनेशनल ह्यूमनिस्ट एंड इथिकल यूनियन है, वो हिंदू धर्म की मित्र संस्था है। हिंदू संगठनों को उसे मित्र संगठन की तरह देखना चाहिए, और उसमें से जो हिंदू द्रोही, धर्मद्रोही, मानवता द्रोही भारतीय तथा कुछ अन्य यूरो अमेरिकी लोग भी हैं, उनको छांट के अलग कर देना चाहिए। और ये जो संगठन है, जैसा हमने बताया, मानवतावाद जो है वो क्या है, वो हिंदुओं का स्वाभाविक मित्र संगठन है। तो इस प्रकार मानवतावाद, कोई व्यक्ति मानवतावादी या इंसानियत वाला तभी बनता है जब वो इस्लाम और ईसाइयत का त्याग कर दे। उसके स्थान पर हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म जिसे सनातन धर्म भी कहते हैं, वो अत्यंत प्राचीन काल से चल रहा है, और कभी भी उसमें किन्हीं किसी भौगोलिक क्षेत्र या किसी उपासना क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए आधारभूत प्रतिपादन नहीं किए गए। जितने भी, जैसे स्वयं ऋचाएं हैं, वैदिक ऋचाएं हैं, ब्राह्मण ग्रंथ है, कहीं भी किसी जाति विशेष, किसी क्षेत्र विशेष, किसी आस्था विशेष, किसी पंथ विशेष के विषय में नहीं कहा गया है। इसके बाद जिन्हें धर्मसूत्र कहा जाता है, उनमें सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। और मनुस्मृति में मैंने पिछली बार भी बताया था कि क्या कहा है, प्रतीक समाधम मुस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य मक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। तो ये संपूर्ण मानव मनुष्य के लिए लक्षण है। श्रीमद भगवद गीता में भी क्या कहा है, चातुर्वर्ण्यम मैं आसृष्टम गुण कर्म विभाग तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। तो ये क्या है, चातुर्वर्ण संपूर्ण संसार के मानव जाति को गुणों और कर्मों के आधार पर चार श्रेणियों में मैंने विभाजित किया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, जिसमें ज्ञान प्रधान वृत्ति है वो ब्राह्मण है, जिसमें राजनैतिक प्रधानता है वो क्षत्रिय है, जिसमें बाकी सब काम है, शिल्प है, गौरक्षा है, वाणिज्य है, व्यापार है, कारीगरी है, कलाएं हैं, वो सब कौन है, वो वैश्य हैं। और साहित्यकार भी उस अर्थ में वैश्य श्रेणी में ही आएंगे, क्योंकि साहित्य जब तक शिल्प के रूप में है, जब वो आध्यात्मिक ज्ञान में चले गए तो ब्राह्मण हैं, अन्यथा जो लेखक कवि आदि हैं वो वस्तुतः एक तरह के शिल्पी हैं और वो वैश्य ही हैं। तो सभी अधिकांश विश्व के लेखक और कवि वैश्य हैं, क्योंकि वो कविता को, साहित्य को शिल्प की तरह लेते हैं, कला की तरह लेते हैं। तो जितने कलाकार हैं वो सब, जितने शिल्पी हैं वो सब वैश्य हैं। खेती किसानी का काम करने वाले, गौ पालन करने वाले, व्यापार उद्योग वाणिज्य करने वाले सबके सब वैश्य हैं। और जो परिचर्या कर्म में लगी थोड़ी सी आबादी होती है सेवा कार्य में, वो शूद्र कहलाती है। तो परिचर्यात्मक कर्म शूद्र जाति स्वभाव, जम साफ साफ कहा है, कोई जाति शूद्र नहीं होती, जो परिचर्या कर्म करे वो शूद्र है। शौर्यम तेजो तृतीक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भाव छात्र कर्म स्वभावजम कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म शूद्र जाति स्वभावजम। गीता में स्पष्ट कहा है, इस संपूर्ण विश्व के समस्त मानवों के ये चार वर्ग हैं। अन्य शास्त्रों में भी है, तो सब जगह स्पष्ट कहा है, जो कुछ विचार है वो मनुष्य जाति के लिए। जैसे कि मनुस्मृति में ही मैंने पहला बताया, दूसरे दसवें अध्याय में 62वां श्लोक है, उसमें क्या कहा है, अहिंसा सत्यमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह एतम सामासिकम धर्म चातुर्वर्णे अब्रवीन मनोः। समस्त मनुष्यों के लिए सामासिक धर्म है, सामासिक यानी जो सबका धर्म हो, समास, इसमें सारे समाहित हो जाते हैं, व्यास माने विस्तार, सामासिक माने संक्षेप में, समस्त मनुष्यों का धर्म है अहिंसा। और अहिंसा का अर्थ नॉन किलिंग नहीं है, अहिंसा का अर्थ है किसी भी व्यक्ति, मनुष्य या प्राणी या वायु या आकाश या अग्नि या धरती, किसी के प्रति द्रोह भाव नहीं रखे, भूत मात्र के प्रति द्रोह भाव का अभाव, सर्वथा सर्वदा भूत सर्वभूतानाम अनभिद्रोह अहिंसा, सर्वदा सर्वथा सर्वभूतेषु अनभिद्रोह अहिंसा, सर्वथा ही सर्वदा ही समस्त महाभूतों के प्रति यानी धरती आकाश
अग्नि वायु इनके प्रति, जल इनके प्रति किसी प्रकार का द्रोह भाव नहीं रखे, कहीं जल को दूषित नहीं करे, कहीं ये नहीं सोचे कि मैं ज्यादा जल अकेले ही भोग लूं दूसरे को नहीं करूं, ये सब द्रोह है। अगर आप अकेले ही पड़ोसी का पानी छीन लेना चाहते हैं तो वो भी हिंसा है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास ही सब ऊर्जा रहे और किसी के पास नहीं तो वो हिंसा है। अगर आप धरती पर अपने वंश परंपरागत अधिकार से अधिक अधिकार चाहते हैं और जो शास्त्र बनाए गए हैं नियम शास्त्र में उनका अतिक्रमण करते हैं तो वो भी हिंसा है। अगर आप आकाश में, जैसे आकाश में आजकल आकाश भी बहुत से युद्धों का कारण है, आप दूसरे के आकाश पर कब्जा चाहते हैं, यदि आप शासक हैं या सैन्य योद्धा हैं, तो वो भी हिंसा है। भूतों के प्रति यानी पंच महाभूतों के प्रति द्रोह, किसी जीव के प्रति द्रोह, एक कुत्ता आ गया है आप उसको कारण भगा रहे हैं, बहुत मार रहे हैं, थोड़ा सा भगा दिया कि दरवाजे पे डटा है तो अलग बात है, मार रहे हैं तो वो हिंसा है, जीवों के प्रति हिंसा है। और दूसरे मनुष्य के प्रति द्रोह रखना, भले आप कुछ हाथ पैर नहीं चला रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं, लेकिन मन में सोच रहे हैं कि ये आदमी हमारे अधीन हो जाए या ये अपना उपासना पद्धति छोड़ के हमारी उपासना पद्धति अपना ले, तो ये क्या है, हिंसा है। सर्वदा सर्वथा सर्वभूतेषु अनभि द्रोह, द्रोह का अभाव। जैसे ही आपने दूसरे के जीवन शैली से, दूसरे की उपासना पद्धति से, जहां तक वो मर्यादा में है और जहां तक वो धर्म के अंतर्गत है, इसके बाद भी आपने द्रोह किया, अगर अमर्यादित है तो विरोध करना आपका धर्म है, लेकिन अगर वो मर्यादित है तो आपको उससे द्रोह नहीं करना चाहिए, अगर आपने द्रोह किया तो वो हिंसा है। तो मनुष्य मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति और पंच महाभूतों के प्रति द्रोह का अभाव ही अहिंसा है। और सत्य, सत्य से ही सारा व्यवहार चलता है। मानव स्वभाव वश, शुद्धता वश, लोभ वश असत्य बोलता है, लेकिन कहता नहीं कि हाँ मैं असत्य बोल रहा हूँ, यानी व्यवहार का आधार सत्य है। और अस्तेयम, दूसरे का धन, दूसरे की वस्तु, दूसरे का जो स्वामित्व है, दूसरे के गुण कुछ चुराना नहीं, अपने में उतारना अलग बात है, दूसरे के धन के प्रति की दृष्टि नहीं रखना, दूसरे की संपत्ति, दूसरे का वैभव, दूसरे का ऐश्वर्य, इसके प्रति गिद्ध दृष्टि नहीं रखना, इसको अस्तेय कहते हैं। और आंतरिक और बाहरी पवित्रता, इंद्रियों का संयम, है ना, अहिंसा सत्यम अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह एतम सामासिकम धर्म चातुर्वर्णे अब्रवीन मनु। अहिंसा सत्यम अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, अहिंसा सत्यम अस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह, ये पांच एतम सामासिकम धर्म, ये मनुष्य जाति मात्र का धर्म है, संपूर्ण मानव जाति का विचार मन ने किया है। इसी प्रकार संख्य स्मृति में क्या कहा है उन्होंने, इसी में शांति आत्मसंयम और पवित्रता, ये कहा है, ये सामासिक धर्म है। महाभारत के अनुशासन पर्व का 120वां अध्याय है, उसमें 10वां और 11वां श्लोक है, उसमें क्या कहा है, तीन नियोतु पर अन्याहु पुरुषोत्तम व्रतम न तो ये सत्यम चैव परम वदेत इति वेदोक्तम ऋषिभि पुरस्तात् परिकल्पितम् इदानीं चैव न कृत्यम् पुरस्तात् परिश्रुतम्। कहते हैं कि वेदों ने मनुष्य के लिए तीन व्रत उत्तम बताए हैं, किसी के प्रति द्रोह नहीं करना यानी अहिंसा, दान देना और सत्य बोलना, ये प्रथम धर्म है, सर्वप्रथम धर्म। इसी प्रकार महाभारत के आश्रमवासिक पर्व के 28वें अध्याय का 9वां श्लोक है, एतद्धि त्रितयम् श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत निर्वैरता महाराज सत्यम क्रोधेव च। यहाँ क्या कहा है, निर्वैरता, जब तक किसी ने आपका कोई बड़ा अहित नहीं किया है तो आपके मन में वैर भाव नहीं आना चाहिए, निर्वैरता सत्य और अक्रोध, ये सामासिक धर्म है, मनुष्य जाति मात्र का, समस्त मनुष्यों का धर्म। इसी प्रकार ऋषि वशिष्ठ ने वशिष्ठ धर्म सूत्र में कहा है कि सत्य अहिंसा दान अक्रोध और प्रजनन यानी संतान पैदा करना, ये मनुष्य मात्र का धर्म है। गौतम धर्म सूत्र में भी कहा है कि सत्य क्रोध और पवित्रता, ये सभी वर्णों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए धर्म है। महाभारत का शांति पर्व है, उसमें राजधर्मानुशासन पर्व है, उसमें 7वां अध्याय है, उसका 7वां और 8वां श्लोक है, अक्रोधा सत्यवचनम संविभाग क्षमा तथा तजना स्वेषु दायेषु शौचमद्रेव एव शौचमद्रोह एव च आर्दवम भ्रत्यभरणम नवैते सार्ववर्णिकाः। समस्त मनुष्यों के लिए ये 9 धर्म विहित हैं, धर्म मतलब कर्तव्य, क्या
अक्रोधः, जब तक कोई पर्याप्त दुष्टता नहीं कर रहा हो तो क्रोध नहीं करना। सत्य वचनम, सदा सत्य बोलना। संविभागः, सबको उसकी संपत्ति में, जिसकी संपत्ति, जिसको संपत्ति में जिसका जितना अधिकार हो वो देना। क्षमा, क्षमा भाव रखना। अपनी ही पत्नी में संतान पैदा करना। आंतरिक और बाहरी पवित्रता। किसी के प्रति द्रोह भाव न रखना। सरल व्यवहार करना, कुटिलता नहीं करना, और अपने आश्रितों का भरण पोषण करना। अक्रोधा सत्यवचनम संविभाग क्षमा तथा हस्वेशु दारेषु शौचम मद्रोह एवं आर्दवम मृत्युभरणम नवैते सार्ववर्णिका। ये नौ, इसीलिए इनको सामान्य धर्म कहते हैं, जो समान सभी मनुष्यों द्वारा समान रूप से पालनीय होने से इसको सामान्य धर्म कहते हैं। सभी वर्णों द्वारा पालनीय होने से इसको सार्वर्णिक धर्म कहते हैं। सबके द्वारा पालनीय है इसलिए इसको सामासिक धर्म भी कहते हैं। सामान्य धर्म, सामासिक धर्म, सार्ववर्णिक धर्म, ये पर्याय हैं। तो इस प्रकार हिंदू धर्म ने क्या किया है, समस्त मानव जाति का विचार किया है। वामन पुराण में भी वही आया है, अहिंसा सत्यम अस्तेयम दानम शांति दम श्रम अकालपण्यम च शौचम च तपश्च रजनीचर दशांशो दशांगो राक्षस्रेष्ठ धर्मोसौ सार्वर्णिका ब्राह्मण्यश्चापि विहिता चातुराश्रम्य कल्पना तस्य स्वरूपं वक्ष्यामः सदाचार्यस्य राक्षस। ये है अर्थात ऋषियों के श्रद्धा और विनय पूर्वक प्रश्न पूछ रहे राक्षसराज सुकेशी की जिज्ञासा का समाधान करते हुए किसने कहा, ऋषि ने कहा कि हे राक्षसराज, अहिंसा सत्य अस्तेय दान शांति इंद्रिय संयम श्रम उदारता पवित्रता और तपस्या, ये 10 गुण मनुष्य मात्र के लिए निर्धारित है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों के लिए विशेषकर 4 आश्रमों का विधान है। संन्यास मुख्यतः ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब कर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बड़ी सरलता से संन्यास ले सकते हैं, लेकिन मुख्यतः संन्यास ब्राह्मणों के लिए है। बाकी सबके लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ये 3 आश्रम भी है। तो ये किसने कहा है, ये वामन पुराण ने कहा है। तो इस प्रकार जैसा मैंने संक्षेप में बताया कि समस्त मानव जाति का विचार केवल सनातन धर्म या हिंदू धर्म में हुआ है। हमारे सभी धर्मशास्त्र सामान्य धर्म, सामासिक धर्म, सार्वर्णिक धर्म की बात करते हैं। हिंदू के लिए कोई विशेष धर्म है ऐसा नहीं कहते। मानव जाति मात्र के लिए जो धर्म है वही धर्म है। बाकी तो फिर सामान्य धर्म के बाद फिर विशेष धर्म आते हैं, तो अलग अलग जनपद का, जनपद की प्रथा परंपरा के अनुसार, परिवेश के अनुसार अलग धर्म हो सकता है। अलग अलग कुलों का कुल धर्म होगा, अलग अलग वर्ण का वर्ण धर्म होगा, अलग अलग आश्रम का आश्रम धर्म होगा, अलग अलग जनपद का जनपद धर्म होगा। जैसे भारत एक विशाल जनपद है, राष्ट्र है, तो इसका एक राष्ट्र धर्म होगा, है ना। तो ये बाद में है, लेकिन सबसे पहले मनुष्य मात्र द्वारा पालनीय सामान्य धर्म, सामासिक धर्म, सार्वर्णिक धर्म, ये हमारे सनातन धर्म का सार है। तो सनातन धर्म में ही समस्त मानव जाति के लिए स्थान है, समस्त मानव जाति की विवेचना है, समस्त मानव जाति के कर्तव्यों के समान गुण निर्धारित है, उसमें भेद नहीं है। सामान्य धर्म, सामासिक धर्म और सार्वर्णिक धर्म मनुष्य मात्र के लिए समान है। ये नहीं कहा है कि हिंदू के लिए है, ईसाई के लिए भी वही करना होगा, मुसलमान के लिए भी वही करना होगा। भारत में यदि सही शासक आए तो मुसलमान को भी अनुमति नहीं देंगे कि तुम दूसरे की संपत्ति जलाओ, कि दूसरे को कहो कि तुम्हारा धर्म बुरा, तुम्हारा देवता बुरा है, और क्रिश्चियन को ये अनुमति नहीं दी जाएगी कि तुम्हारे गॉड तो ट्रू गॉड है और बाकी सबके गॉड फॉल्स गॉड है, वो दंडनीय अपराध होगा। अभी तो अराजकता है भारत में वैचारिक दृष्टि से, लेकिन अगर सत्यनिष्ठ शासक आएगा तो वो सनातन धर्म के अनुसार चलेगा, तो मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं करेगा। अभी भारत का शासन हिंदू मुसलमान और ईसाई में भेद करता है, मुसलमान और ईसाई को उनकी किताबों के अनुसार चलने की छूट देता है, हिंदुओं की किताबों की पढ़ाई प्रतिबंधित है, और ये कुछ नेताओं के दिमाग की खुजली के अनुसार हिंदुओं को जीना चाहिए ऐसा वो कहते हैं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं और उनके समर्थक संगठन के लोग, और बहुत से धर्माचार्य भी पार्टियों के समर्थक आ गए हैं, वो भी कहते हैं कि फलाने राजनेता जी के दिमाग में अमुक खुजली मची है, क्योंकि वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं या सांसद हैं या विधायक हैं, तो ऐसे ही करना चाहिए। ये भारत की परंपरा नहीं है। जो सार्वर्णिक, सामासिक, सामान्य धर्म है
उसका पालन होना चाहिए, सबके द्वारा होना चाहिए, मुसलमान के द्वारा भी, ईसाई के द्वारा भी, हिंदू के द्वारा भी, सभी नागरिकों के द्वारा समान रूप से पालनीय कर्तव्य ही नागरिक कर्तव्य है। और ये सब केवल सनातन धर्म में यानी हिंदू धर्म में स्पष्ट कहा है। भारत में अभी इस आज्ञा का पालन नहीं होता। भारत का राज्य भारतीय नागरिकों के बीच भेदभाव करता है मजहब के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, लेकिन भारत के जो शास्त्र हैं वो कहते हैं कि नहीं, मजहब, रिलीजन, उपासना पंथ आदि उनकी इबादत की चीज है, प्रेयर की चीज है, लेकिन जीवन को सामान्य मानव धर्म से सबके द्वारा पालनीय कर्तव्यों से निर्धारित होना चाहिए। तो समस्त मानव जाति का विचार केवल हिंदू धर्म में, केवल सनातन धर्म में किया गया है, इस्लाम और ईसाइयत में नहीं है। इसलिए अगर कोई मानवतावादी बनता है मुस्लिम देशों में या ईसाई देशों में, तो उसे ईसाइयत और इस्लाम का त्याग करना पड़ता है, जैसा मैंने सार रूप में बहुत ही प्रमाण के साथ दिखाया, जैसा ये ह्यूमनिज्म किताब दिखाती है। ह्यूमनिस्ट जो भी है यूरोप में, जो भी ह्यूमनिस्ट है वो अपने आप को कहता है कि आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, मैं ईसाई नहीं हूँ। और मुसलमानों में जो भी इंसानियत वाला है वो घोषित करता है कि मैं इंसानियत पसंद हूँ, इसलिए मैं मोमिन नहीं हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं एक्स मुस्लिम। तो इस्लाम और ईसाइयत में मानवतावादी या इंसानियत वाला होने के लिए इस्लाम और ईसाइयत का त्याग करना पड़ता है। हिंदू धर्म में रहते हुए आप मानवतावादी हैं ही, आप मानवतावादी हैं तभी आप हिंदू हैं, तो ये फर्क है। हिंदू को मानवतावाद जो अलग से सिखाने की कोशिश करते हैं वो बदमाश और अपराधी हैं। हिंदू होने का अर्थ है मानवतावादी होना, हिंदुत्व ही मानवतावाद है, हिंदू होने का अर्थ है मानवतावादी होना, क्योंकि यहाँ सामान्य धर्म, सामासिक धर्म, सार्वर्णिक धर्म का सार्वभौम प्रतिपादन है। इतना ही याद रखना। नमस्कार जी गुरु जी, आपने जो हिंदू होने का अर्थ बताया है कि उसका मतलब क्या है, और जो इंसानियत की बात करता है और अगर मुस्लिम है तो उससे बड़ा अपने मुनाफिक की बात की, मुशरिक की बात की, इस एक लेक्चर में आपने इतनी सारी बातें कर ली हैं कि आपके बहुत पुराने लेक्चर्स मेरे पास बनावटी मुसलमान पुस्तक भी पड़ी है, उस पर भी हमने 5 प्रोग्राम्स आपने किए थे। आपकी जो पुस्तक आई थी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो भी दर्शकों को पढ़नी चाहिए अगर उन्हें अवसर मिले और पुस्तक उन्हें प्राप्त हो पाए तो। लेकिन इस एक केवल एक कार्यक्रम में आपने इतने सहज तरीके से बातें बता दी हैं कि यदि केवल एक कार्यक्रम हो, अच्छा मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि बाकी जम्बू टॉक्स पर आपकी प्रसारित सारे कार्यक्रमों को एक तरफ रख देता हूँ, जो हिस्ट्री से संबंधित पर्टिकुलर नहीं है, अपने पानीपत के ऊपर भी और बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, एक कार्यक्रम ये वाला देख लें तो आपको पूरी वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाती है। ऐसा ये कार्यक्रम आपने इतने सहज तरीके से, बहुत कम कार्यक्रम होते हैं गुरु जी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इतने सहज तरीके से सामान्य रूप में हो जाते हैं। आज का ये कार्यक्रम वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हुआ है, क्योंकि अक्सर सारे ही कार्यक्रमों की का दृष्टि बहुत बड़ा सुंदर होता है, लेकिन आज का विशेष हुआ है। आप जब आपको वापस समय मिले तो आप वापस इस कार्यक्रम को देखिएगा, आपको लगेगा कि ये कार्यक्रम जो है थोड़ा विशेष बन गया है, और दर्शकों को इसे बहुत प्रसारित करना चाहिए, लोगों को बहुत पहुंचाना चाहिए। आप कॉपीराइट नहीं होता है किसी कंटेंट पर, तो आप चाहे तो इसकी क्लिप्स निकाल कर आप अपने नाम से भी भेजेंगे तो जम्मू टॉक्स को कोई एतराज नहीं होगा, आप करिए, लेकिन विषय जो है वो जानना चाहिए। बस इतना ही कहूंगा, और अगली कड़ी में फिर हम अगली विशेष बात करेंगे और वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि समाजशास्त्र पर यही एक पुस्तक आई है, और इसीलिए कार्यक्रम की शुरुआत में ही गुरु जी ने कहा था कि मैं हिंदू समाजशास्त्र की बात नहीं कर रहा, और क्यों इस पुस्तक के नाम से पहले अद्वितीय ये शब्द जोड़ा गया है, इसका भी अपना कोई ना कोई कारण है, क्योंकि हम जब नामकरण करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करते हैं, और कान में फूंक दिया गया है कि ये अद्वितीय समाजशास्त्र है। और हमारे जो राजश्री बैठे हैं, अब राजश्री हैं या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन उनके कान में भी ये थोड़ी सी फूंक जो है वो आपके माध्यम से जा रही है, हमारे दर्शकों के माध्यम से जा रही है कि अद्वितीय समाजशास्त्र पर काम करना पड़ेगा, ये आवश्यक है। अभी के लिए इतना ही, सभी दर्शकों से निवेदन, अपना प्रेम यूं ही बरकरार रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमें सहयोग प्रदान करते रहें। प्रणाम गुरु जी, वंदे मातरम, जय हो, वंदे मातरम।